सो आज हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क में हैं और वॉक करने के लिए शाम के टाइम आए थे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, मैं डेली आता हूँ और फिट रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे साथ हैं मिस्टर सैयद मोहम्मद। सोच रहे थे कि ब्लॉग बनाने के लिए, बट ब्लॉग बना नहीं पाते थे, इसलिए सतम भाई के लिए स्पेशली आज ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है। पूरा दिन निकल चुका है, ऐसा कुछ खास दिखाने को है नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि अब तक अभी थोड़ी बहुत जो देर में जो भी करेंगे वो आपको दिखा सकूँ मैं। अंधेरा हो चुका है इसलिए ज़्यादा लाइट अच्छी आएगी नहीं। तो मैंने अभी एक अमेज़ॉन से एक पैकेज मंगाया था, जो पैकेज आ चुका है तो उस डिलीवरी एजेंट को कॉल करते हैं और उससे पैकेज लेते हैं। बेसिकली मैंने राइडिंग जैकेट मंगाई है क्योंकि मैं कहीं राइड प्लान कर रहा हूँ और राइड पर निकलने वाला हूँ, तो उसी की तैयारी की मैंने जैकेट मंगाई थी, वो आ गया है। चलिए से कॉल करते हैं, डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इधर आएगा तो डिलीवरी देगा हमको। पैकेज आ चुका है तो अभी इसे अनरैप करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। तो भी हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे यहाँ पे, आज सोचा कि आइसक्रीम खा लें। मैकडोनल्ड की 20 रुपए वाली सॉफ्ट सर्व सस्ती है और बढ़िया है और बढ़िया टिका। आइसक्रीम अपनी आ चुकी है और कितनी बढ़िया लगती है देखें। तो ये मेरी जैकेट आ चुकी है। बेसिकली ये राइडिंग जैकेट नहीं है, विंड शीटर है। तो मतलब मोस्टली हवा लगती है गाड़ी पे चलाते टाइम, तो विंड शीटर ज़्यादा वो रहती है गर्मी में। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है और मतलब किस क्वालिटी की है। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करी थी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे और फिटिंग भी अच्छी है इसकी। तो मैं आपको खोल के इसको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये जैकेट है और फिटिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे और जो जैकेट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मतलब ये अच्छा सौदा रहा, फ़ायदे करा और इट्स लुक लाइक अ राइडिंग जैकेट बेसिकली, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये बाइक चलाते वक्त, राइडिंग करते वक्त। तो और बाकी काफ़ी मतलब फ्रीली साइज है, कुछ नहीं कि स्ट्रिप्ट है, फिटिंग बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी एक नंबर है। ओके सो इसको फिर से रखता हूँ और मिलता हूँ। और ये बैग भी मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से और काफ़ी अच्छा बैग है। और जैसे कि आप इसमें वॉलेट और मनी या छोटा मोटा चार्जर या कैश रख सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो जैसे मैं बाइक चलाता हूँ, राइड करता हूँ, तो उस पर मतलब बार बार वॉलेट निकालना या सेल फोन की बहुत फिक्र रहती है, तो उसमें डाल के अंदर रख सकते हैं। बेसिकली इट्स टोटली सेफ और देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके बाद में अच्छा लगेगा। तो हम घर आ गए थे शॉपिंग वगैरह करके और आइसक्रीम वगैरह खाने गए थे, बेसिकली शॉपिंग नहीं करने गए थे। तो घर आ गए थे, मैंने कहा ब्लॉग का एंड भी नहीं किया है तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और कल मैं जा रहा हूँ नंबर प्लेट लगवानी है HFRPC की, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, कैसे मैंने अप्लाई किया था, कितने पैसे लगे थे और क्या क्या चार्जेस लगा था, किस तरीके से लगती है। तो मैं आपको अलग नेक्स्ट ब्लॉग में वो चीज़ प्रोसेस पूरा दिखाऊँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें, ठीक है? ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।